हमारे साथ एक और दर्शक है, मयंक दवे हैं भरूच गुजरात से। नमस्कार मयंक, पूछिए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास ऑलरेडी एक हाउस है और वो तकरीबन 70 लाख रुपए का उसका वैल्यू होगा। ओके। और मैं एक हाउस खरीदना चाहता हूँ जिसके पास 65 लाख रुपीज के आसपास उसका वैल्यू होगा, एंड आई वांट टू हैव अराउंड 50 लाख ऑफ लोन ऑन दैट। सो माय क्वेश्चन वाज वेदर आई शुड टेक मॉर्गेज ऑन माय एग्जिस्टिंग हाउस और शुड आई गो फॉर द फ्रेश लोन। प्रेजेंटली आई हैव अराउंड 7 or 8 lakhs ऑफ लायबिलिटी फॉर अनदर हाउस लोन ऑन माय अनदर फ्लैट। ऑलराइट मैम, आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। बलवंत जैन हमारे साथ है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। बलवंत साहब, शो की शुरुआत में मॉर्गेज लोन पर हम बातचीत कर रहे थे, इनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए मयंक जी, ऐसा है कि जैसे मेरे पास जो डिटेल है उसके हिसाब से आपकी जो इनकम है 20 लाख के आसपास है, तो नॉर्मली जो होम लोन है वो आपको 4 गुना जो एनुअल इनकम है उसका 4-4.5 गुना मिल सकता है। तो उस इनकम के बेसिस पे आपको 80 लाख तक की लोन की एलिजिबिलिटी होती है। उसमें आपको जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो मैं अगर बराबर से सुन पाया हूँ तो 7 लाख तक का ही आपको प्रॉपर्टी खरीद रहे, उसमें से 20% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके जो इनकम है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर होम लोन मिल जाएगा। और मेरा सुझाव रहेगा कि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं लीजिए, आप होम लोन ले लीजिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको उसको उस पर होम लोन मिल जाएगा। लैप में शो की शुरुआत में भी हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर चर्चा की थी, इसलिए होम लोन के मुकाबले मतलब होम लोन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, रादर आप मॉर्गेज करें अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि आपकी प्रोफाइल देखते हुए एक्सपर्ट की राय है कि आप एक नया लोन लेने की सोच सकते हैं। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल ले पाएंगे। बलवंत जैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए।